हाय एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ द यस्टरडेज लेक्चर। अगर किसी ने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। पिछले हफ्ते के जो हॉट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रॉबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने के लिए, उनको हम दो पार्ट्स में कवर करते हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट। माई नेम इज रोहित गर्चा, दिस इज अभिमन्यु IAS which has more than 25 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive selections since 1999. Let's begin the lecture and for complete course, watch till the end of the video जहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि what the master course of current affairs 2024 is all about. Right now, sit attentively, try to understand each and everything. Let's begin. बाकी बच्चे जो ऑनलाइन लगा रहे हैं, आप लोगों के पास आई थिंक आपके सारे आंसर्स के रिप्लाई आ गए होंगे जितनों ने भी किए हैं। अगर फिर भी किसी का रह गया तो मेरे को ना रीसेंड ही करना मेल, कुछ मेल्स में प्रॉब्लम आ रही थी। सो ऑलमोस्ट सबका हो गया है, एक दो आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑल्सो। अगर किसी का रह गया तो आप मुझे ज़रूर दोबारा भेज दीजिए। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। नवंबर आ गया है ना, आ तो चांद भी आने वाला है। धड़कना शुरू हुआ दिल अब के, अभी भी बेजान है? अब तो शुरू हो गई होगी दुख दुखी मन के अंदर की नवंबर आ गया। नवंबर मतलब यही स्टेटमेंट रहेगी मेरी अगले दिसंबर के लिए भी कि दिसंबर आ गया। ऐसे सुनते रहोगे तुम कि जनवरी आ गया, फॉर्म्स आ गए, प्रीलिम आ गया, कल है, राइट? ऐसे ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं है। तो अगर किसी को लग रहा है कि वो तैयारी शुरू करने वाला है कि मैं तो ऐसे पढ़ूंगा, तो उसको मैं रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि कल आता नहीं है। टुमारो इज ऑलवेज इन फ्यूचर, ऑलवेज इन, तभी वो बुद्धा का कोट है ना, लिविंग इन द मोमेंट, है ना, कि यू शुड लिव इन द मोमेंट, डोंट ड्वेल इन द पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन ही नहीं है। बुद्धा ने तो कहा है कि नहीं रहना पास्ट में और फ्यूचर में। आई एम सेइंग यू डू नॉट हैव द ऑप्शन टू लिव इन द पास्ट और इन द फ्यूचर, है ना। आपके पास राइट नाउ का मोमेंट है। तो आप लोगों ने माइक्रो टारगेट सेट कर लिए होंगे, जहाँ तक इफ आई कैन एज्यूम, है ना, कि मेरा ये रह गया, मुझे ये वाला पार्ट करना है, वो रह गया, ये वाला पार्ट करना है, सबके बन गए होंगे माइक्रो। जिसने अमल कर लिया उसका स्कोर आ जाएगा प्री में। आई रियली डोंट नो कि तुम्हारे टारगेट्स क्या हैं, पर सही होंगे। जो तुमने टारगेट बनाए हैं वो सही हैं। सेइंग दैट डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि आप लोगों ने क्या टारगेट बनाए हैं मुझे नहीं पता, पर वो टारगेट सही हैं। प्रॉब्लम बता सकता हूँ, प्रॉब्लम है अमल की। अमल समझते हो? हाँ, प्रॉब्लम उसकी है। आज आपको, आपके लिए मेरे पास सरप्राइज़ है एक, बाय द वे। कल बहुत टाइम लगाया मैंने, आई हैव एनिमेटेड अ वीडियो। एक टॉपिक आएगा, वो टॉपिक समझाने के लिए कि शायद आपको उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उसमें। आई होप कि इस पे चल जाए, मैंने इंटीग्रेट तो कर दी है, ठीक है, वेट फॉर इट। आई वॉन्ट टेल यू कौन से टॉपिक की एनिमेटेड वीडियो है वो। ऑलराइट, पहला टॉपिक शुरू करते हैं इसमें हम। ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं है, बस डॉक्यूमेंट आते फिर लिखने वाला काम एंड में कर लेंगे हम। इसके अलावा अगर किसी को कोई इशू आ रहा है आंसर राइटिंग, क्योंकि मैम थोड़ा सा टाइम है हमारे पास आज, तो अगर कोई इशू आ रहा है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो आंसर राइटिंग में। अदरवाइज कोई कॉमन सी प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप लोगों की शक्लें बता रही है प्रॉब्लम तो है, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। अब इतनी बड़ी चीज़ पे आपने हाथ डाला है, प्रॉब्लम तो आनी ही है। आपकी जॉब के लिए इसीलिए मांग रहे हैं आपको वो, है ना। तो प्रॉब्लम से घबराना मत पहले तो, और उसका पहला स्टेप यही है कि तुम्हारी लाइफ में आएगी, उससे डील कर लिया तो ठीक है, मतलब इट्स ओके। ये नहीं बोल रहा बुरा नहीं लगना चाहिए, वो अलग, वो टोटली अलग फंडा है, वो तो इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल अवेयरनेस, वो अलग फैक्टर है। मैं इंटेलिजेंस के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों चीज़ों को लग। यू कैन फील बैड एंड डू द राइट थिंग एट द सेम टाइम, इट्स ओके। नहीं है कोई प्रॉब्लम, फिर चलें आगे। ठीक है, हिम्मत करके बोल दिया करो, ठीक है। करेज लगती है थोड़ी सी, लेकिन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है,
सॉल्यूशन निकल आता है। नहीं, अगर किसी ने पिछले एक साल से किताब नहीं खोली है, कोई बात नहीं, आके बता देना, उसका भी सॉल्यूशन है। भैया थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने एक टॉपिक किया था, भारत एन कैप, अब कितने कम है डॉक्यूमेंट्स? रेज ऑफ हैंड्स, किसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है? ठीक है, चलो टॉपिक शुरू करते हैं। इजी टॉपिक्स हैं ये, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं है। जो लिखवाने वाला पार्ट होगा उसको मैं रुक के लिखवा दूंगा, राइट? तो एक हम लोगों ने ना टारगेट बना रखा है इंडिया ने कि हम लोगों ने वर्ल्ड सुपर पावर बनना है, राइट? 2047 की हमारी विजन भी है, 2070 की विजन भी है, हमारे पास अलग अलग विजन है। तो एक उसमें जो बहुत बेस चीज रहती है ना, वो है आपके स्टैंडर्ड्स, राइट? जैसे हमने सबसे पहले बात करी थी कि हमारी जो गाड़ियों का सेफ्टी स्टैंडर्ड है, राइट, सेफ्टी रेटिंग्स है, उसके लिए हमने क्या लॉन्च किया था? भारत एन कैप न्यू, चलो 5-6 और दे देना, भारत एन कैप, राइट, विच इज न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, राइट, जिसमें हम रेटिंग अपनी देने की बात कर रहे हैं। दैट मींस कि हमने ना अपना ही एक स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश कर लिया है, राइट? सो सेम इज द केस विद दिस वन। ओए बंद कर जो, बैठ जो फटाफट, अब बहुत हो गया, बोल लेने दो मेरे को, आई हैव ओनली वन जॉब हेयर, लेट मी डू इट। कहानी चल रही थी कि अगर किसी कंट्री को सुपर पावर बनना है, और सुपर पावर तो चलो एक फिर मेरे को छोटी बात लगती है, उससे बड़ी बात है आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस। तो उसके लिए ना आपको बहुत कोर में जाके काम करना पड़ता है। यू हैव टू एस्टैब्लिश योर ओन स्टैंडर्ड्स, यू हैव टू एस्टैब्लिश कि आप अपना, आपको इवन आपको अपना किलोग्राम तक एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि अगर आप बाहर जा रहे हो, एक किलो टमाटर, उसने एक किलो का बट्टा रख दिया, तो एक किलो है क्या, राइट? एक मीटर है क्या? तो आपको सारे स्टैंडर्ड्स अपने खुद से बनाने पड़ेंगे कि आत्मनिर्भर भारत, हमें कहीं से भी कुछ भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड। गाड़ियों के केस में, ऑटोमोबाइल के केस में एक हमारा था भारत एन कैप, राइट? दूसरा ये आया है रिसेंटली विच इज कॉल्ड रेफरेंस फ्यूल, राइट? रेफरेंस फ्यूल का ज्यादा कुछ काम नहीं है, रेफरेंस फ्यूल का काम ये है कि ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल आपको मिलेगा, राइट? 4-5 तरीके के ब्लेंड्स हैं इसमें। डॉक्यूमेंट आगे आपके पास, यहाँ पे एक भी है इन तीनों के पास, ठीक है, दोस्ती का सही फायदा भी उठा लो, देख लो नीचे। सो कुछ हैंडफुल ऑफ नेशंस हैं जो आपके रेफरेंस फ्यूल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, शैल वी राइट अबाउट व्हाट इज रेफरेंस फ्यूल, लिख लें कि पहले डॉक्यूमेंट देखना है, लिख लें, चलो ठीक है, आयो फिर। Reference fuels are premium high value products। वो आप लोगों ने जब गाड़ी वाड़ी खरीदी होगी आपने देखा होगा ना कि उन्होंने 25.9 की एवरेज बता रखी है, लेकिन जब आप सड़कों पे उतारी आपने वो 18 रहेगी, है ना? वो 25.9 की एवरेज बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशंस में निकलती है, प्लस उसके अंदर रेफरेंस फ्यूल डाला होता है, राइट? तो आप तक जब यहाँ तक फ्यूल पहुँचता है ना, उसके बैरल्स बदल चुके होते हैं, है ना, बार बार वो कॉन्टैक्ट में आती है इम्प्योरिटीज़ की, जो आपका फ्यूल बहुत इम्प्योर पहुँचता है। लेकिन जब आप गाड़ी टेस्ट कर रहे हो या सिस्टम्स कैलिब्रेट कर रहे हो, तो यू नीड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल, दैट फ्यूल इज़ कॉल्ड रेफरेंस फ्यूल। पहले बाहर के कुछ नेशंस बनाते थे, अब इंडिया में खुद का बनने लग गया है, और एक तो पानीपत में ही बनेगा, डीजल पानीपत में बनेगा। आइए बच्चे, प्रीमियम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स used for calibration and testing of vehicles by auto OEMs, capitals में OEM,
OEM क्या होते हैं? हाँ, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, वो वाले इक्विपमेंट जो आपको बनाने ही पड़ते हैं, आप कहीं से एग्जैक्टली इंपोर्ट नहीं, आप यू कैन नॉट असेंबल अ कार कि मैं यहाँ से, यू कैन असेंबल अ पीसी बट यू कैन नॉट असेंबल अ कार, तो कुछ कुछ कंपोनेंट्स बनाने ही पड़ते हैं, तो जो वो कंपोनेंट्स बनाते हैं उनको OEMs बोलते हैं। बाय ऑटो OEMs एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड इन टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इन द ऑटोमोटिव फील्ड, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इन द ऑटोमोटिव फील्ड। The regulated specifications include कि अगर आप reference fuel बना रहे हो तो किन किन चीजों का खास ख्याल रखा जाता है उसमें, CTAN number, CTAN slash octane number, CETANE, CTAN number, octane, OCTANE, flash point, विस्कोसिटी, सल्फर एंड वाटर कंटेंट, हाइड्रोजन प्यूरिटी, एसिड नंबर। ये वो यूपीएससी का कभी कभी कीड़ा उड़ जाता है, वो पूछ लेता है इस टाइप के सवाल कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड इन द स्पेसिफिकेशंस ऑफ रेफरेंस फ्यूल्स, राइट? तो वैसा सवाल आ सकता है इसमें। तो जो हमारा रेगुलर फ्यूल होता है बच्चे, रेगुलर जो पेट्रोल होता है उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है इंडिया में, दैट इज आइदर 85 और 87, राइट? और जो ये रेफरेंस फ्यूल होते हैं इसका 91 होता है। ऑक्टेन नंबर समझते हो? देखो अगर बहुत आसान भाषा में कहा जाए, बहुत ही आसान भाषा में, ऑक्टेन है आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रोल, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रोल जो हो सकता है वो ऑक्टेन है, राइट? अगर आप इसके अंदर हेप्टेन मिला देते हो साथ में, तो वो जितने परसेंटेज में ऑक्टेन होता है उसको ऑक्टेन नंबर बोल दिया जाता है। तो ऑक्टेन नंबर इज अ परसेंटेज, यू कैन नॉट हैव एन ऑक्टेन नंबर मोर देन 100 बिकॉज इट्स अ परसेंटेज। एंड सेम गोज विद डीजल, डीजल जो प्योरेस्ट फॉर्म है दैट इज सीटेन, राइट? ये लिख लीजिए एक लाइन अगर आप लिखना चाहो तो, ऐसे लिखिए ऑक्टेन नंबर, ये भी आपके उसमें पीसीएस वाले खासकर इसको लिख ले, याद भी कर ले, ऑक्टेन नंबर इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय मास नहीं है, परसेंटेज बाय मोल नंबर नहीं है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। द ऑक्टेन नंबर इज द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसो ऑक्टेन इन दी आइसो ऑक्टेन हेप्टेन मिक्सचर, ठीक है? तो मतलब अगर ऑक्टेन नंबर 100 है तो मतलब वो सारा ऑक्टेन ही है। तो जब के प्रीमियम फ्यूल्स होते हैं इसमें ऑक्टेन नंबर 1 या 2 पॉइंट ऊपर होता है, मिलते हैं ना ये पंप वगैरह पे प्रीमियम फ्यूल्स होते हैं जो, उसमें ऑक्टेन नंबर का फर्क होता है। और काम इसलिए आता है कि आप इंजन की नॉकिंग वगैरह इसे चेक कर सकते हो। You always do not need the purest form of fuel. तो आप बहुत carefully blend करते हो कि आपके particular engine के लिए कितना octane होना चाहिए, है ना? आप लोग तो young, आपको तो पता ही होगा नीट पीने पे vomit आ जाती है, हाँ। तो
तो आपको इंजन के हिसाब से ऑक्टेन नंबर डिसाइड करना होता है ना, ऐसे समझो इस बात को। डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा पड़े हैं यहाँ पे, इनको पास कर दीजिए। ठीक है बच्चे, आओ प्री स्पेसिफिक जो पॉइंट्स हैं एक बार हम वो देख लेते हैं साथ में। ये तो आपका हो गया ऑक्टेन नंबर के ऊपर, राइट, और रेफरेंस फ्यूल होते क्या है उसके ऊपर हो गया, और आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडिया के लिए बड़ी बात क्यों है। आइए बच्चे, पहला तो आप अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, आप सेकेंड पॉइंट आई मीन बुलेट पॉइंट ऊपर से, दैट इट्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द क्वेस्ट फॉर सेल्फ रिलायंस, है ना। एक तो मेन मुद्दा यहाँ पे ये है, विद द कमेंसमेंट ऑफ रेफरेंस पेट्रोल एंड डीजल प्रोडक्शन। तो जो हमारे रेफरेंस फ्यूल आए हैं, इसका मतलब वो दो फ्यूल आए हैं अभी हमारे पास, दैट इज योर पेट्रोल एंड योर डीजल, राइट। तो ये दो फ्यूल्स हैं, आपका ये भी सवाल बन सकता है। इसके अलावा क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इज दैट कि जो रेफरेंस फ्यूल की कॉस्ट है ना यहाँ पे गिवन है, दैट इज लगभग 850 पर लीटर, 850 रुपीज पर लीटर। तो इतने का फ्यूल पड़ता था ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को, और हम जो इसमें प्रोवाइड करेंगे इसके थ्रू, दैट इज 450 रुपीज, दैट मींस कि आपके इंपोर्ट की कॉस्ट बच गई है। अल्टीमेटली देयर इज अ सेइंग व्हिच सेज दैट मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, थिंक अबाउट इट, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। तो अगर आप यहां पे पैसा बचा रहे हो, तो इन्होंने कंपनीज ने वो बर्डन अपने ऊपर नहीं रखती है, कंपनीज आर ऑलवेज इन प्रॉफिट, तो बर्डन आपकी जेब पे ही आता है। तो मतलब इस टाइप का अगर रेफरेंस फ्यूल सस्ता हुआ है, दैट मींस कि आपको भी इसका फायदा होगा, क्योंकि अगर महंगा फ्यूल होता तो वो आप ही भर रहे थे उसका पैसा, राइट। इसके अलावा ये एक क्रिटिकल प्रोडक्ट है ऑटो इंडस्ट्री के लिए, यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, राइट। और इसको हम इनोवेशन मानेंगे, क्योंकि सस्ता प्रोड्यूस कर दिया सेम फ्यूल। बच्चे यहाँ पे ना साइड पे आप एरो डाल के कहीं पे लिख लीजिए, ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पैरादीप रिफाइनरी कहाँ पे है, पैरादीप से तो पता लग गया होगा, पैरादीप रिफाइनरी कहाँ होएगी, हाँ उड़ीसा में बच्चे, पैरादीप रिफाइनरी इन उड़ीसा विल प्रोड्यूस पेट्रोल, ये रेफरेंस ग्रेड की बात ही हो रही है, विल प्रोड्यूस पेट्रोल सेकंड इज पानीपत यूनिट इन हरियाणा विल प्रोड्यूस डीजल इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट क्या है इंडिया का अभी राइट नाउ 20% क्योंकि हमने आई थिंक वो 12% वाला अचीव कर लिया था, हमने 2025 तक करना था 12% और 2030 तक करना था 20%, राइट। अब टारगेट चेंज हो गए क्योंकि हमने अभी 2023 के अंदर ही अचीव कर लिया 12%, राइट। करंट टारगेट इज आपका 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, अगर इसको नहीं पता लिख लो, इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट। ट्वेंटी परसेंट इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में होती है, ठीक है, वहां पे पेट्रोल एंड डीजल लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। जो जहां पे भी ई वर्ड होता है ना, E0, E5, E10, E20, ये पेट्रोल के लिए ही होता है, डीजल के जो ग्रेड्स हैं वो बी से शुरू होते हैं, ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना, जब भी ई लिखा होगा वो पेट्रोल ही होता है। जैसे रेफरेंस ग्रेड का जो डीजल बनेगा ना, वो B7 ग्रेड बोलते हैं उसको।
बाय 2025। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। आप करंट भी सिस्टम यूज़ कर ही रहे हो ना, ट्रांजिशन के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ट्रांजिशन वैसी चलेगी, पर जो करंटली हो रहा है हमने उसको अचीव कर दिया। हमारे पास में रिफाइनरीज हैं ऑलरेडी, दे आर वर्किंग, प्लस आपका मन है बहुत ज़्यादा कि हम लोग ईवी की तरफ चले जाएं, हम उधर को चले जाएं, लेकिन वर्ल्ड तो थोड़ा सा ध्यान से चलेगा ना, वहाँ तो आपको हमेशा रेफरेंस फ्यूल चाहिए। तो अगर आप इसका बच्चे लास्ट पॉइंट देखोगे ना इसमें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स। तो अगर आपको रेफरेंस फ्यूल सस्ते में मिल रहा है तो आप अपने करंट इंजन को भी और ज़्यादा रिफाइन कर पाते हो। इट विल टेक टाइम कि जब आप पूरा इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाओगे ना, पूरा रिन्यूएबल के ऊपर शिफ्ट हो जाओगे, बिकॉज आपके जनरेटर्स भी आपके डीजल पे ही चलते हैं। नॉट ओनली योर व्हीकल्स, आपके जो लाइफ लाइन है ट्रक्स, वो आपके डीजल पे चलते हैं और वो काफ़ी समय तक चलते रहेंगे। रीजन बींग, अगर आप एक इलेक्ट्रिक ट्रक बनाना चाहते हो ना, तो उसके अंदर जो बैटरी का वेट डलेगा ताकि वो उतना पूरे ट्रक को चला पाए, इट इज़ मोर देन द लोड इटसेल्फ, जितना उसको लेके जाना है। समझ पाए क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब एक रॉकेट आप लॉन्च करते हो, है ना, जैसे अभी चंद्रयान गया, तो रॉकेट को सिर्फ चंद्रयान नहीं लेके जाना, रॉकेट को वो फ्यूल भी लेके जाना है जो वो रास्ते में जलाता जाएगा। तो दैट फ्यूल हैज़ टू कैरी इटसेल्फ आल्सो, राइट? तो जो ईवी व्हीकल होएगी जिसकी बैटरीज हैवी होंगी, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो उसको ट्रांजिशन आने में टाइम लगेगा। देर आर सर्टेन फील्ड जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको बैटरीज को कंसिडरेबली रिफाइन करके कंसिडरेबली छोटा करना पड़ेगा, और चार्जिंग स्टेशन को फास्ट करना पड़ेगा और डेंस करना पड़ेगा, राइट? तो इट विल टेक टाइम। आई थिंक तुम लोग तब तक बाल काले करने शुरू कर दोगे मेरे हिसाब से, उन वाले प्रोडक्ट की तरफ चले जाओगे तुम। अभी तुम्हारी हेयर केयर अलग होगी ना, सीरम टाइप और ये सब, फिर तुम फिर वो आ जाएगा दूसरे वाला सुरक्षित काले तुम्हारे बाल टाइप्स, फिर तुम उधर हो। तब तक तुम सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स अब आने लग गए हैं, उससे पहले तुम यही इलेक्ट्रिक कार छोटी छोटी रेवा टाइप, हेक्टर ने निकाल दी और छोटी, है ना, कि बंदा ही बैठा है बस, नीचे एक ही टायर है, तब तक तुम यही सब देखोगे। उसके पीछे कंस्ट्रेंट है उसके पीछे कंस्ट्रेंट है, बात समझे आप मेरी मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि बैटरी का अपना भी वेट है, उसको बैटरी के वेट को भी खुद को कैरी करना है, ट्रक के अंदर फिजिबल नहीं है एज ऑफ नाउ, है ना। दैट्स वाई जो इकलौता ट्रक है, आई थिंक टेस्ला का साइबर ट्रक, हाँ वो नाम का ही है ना, उसको आप चंडीगढ़ से टमाटर भर के काजा नहीं लेके जा सकते, राइट? उतनी भारी मात्रा के अंदर। आइए बच्चे इसके अलावा आई हैव गिवन यू द टारगेट। इसमें ना आईओसी को अंडरलाइन कर लो बच्चे, जो फ्यूल है वो आईओसी बना रहा है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये भी आपको डायरेक्टली सवाल आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज द नोडल एजेंसी टू प्रोड्यूस रेफरेंस फ्यूल। और एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए एक फोर प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, वो आप एक बार जरूर देखना इसको, ये आपके मेंस के आंसर में आपको हेल्प करेगी कि सरकार क्या बोल रही है। चलें आगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ये आप लोगों के साथ हो चुका है, वो एनिमेशन भी आने वाली है बहुत जल्दी, वी हैव टू वेट फॉर इट। ये जो टॉपिक है बच्चा, ये आपके साथ हो चुका है पर्सनली, बहुत सिंपल फंडा है, बस इसको टेक्निकली यहाँ पे लिखा हुआ है। फंडा ये है कि अगर कार्टलाइजेशन, समझते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ना 2020 के अराउंड, 2020 या 21 22 आई एम फॉरगेटिंग द ईयर, बियर कंपनीज के ऊपर 800 समथिंग करोड़ रुपीज़ का फाइन लगाया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपस में मिलकर डिसाइड कर लिया था कि हम बियर महंगी कर रहे हैं, मार्केट प्ले में नहीं आई, डिमांड उतनी ही थी,
डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन उन्होंने आपस में डिसाइड किया है ना, और आपके दादे परदादे का औखा हो गया गांव में बैठे बैठे, क्योंकि अब दारू होगी महंगी। समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो ये होती है कार्टलाइजेशन, कि मार्केट फोर्स में नहीं आई, डिमांड सप्लाई में कुछ चेंज नहीं आया, लेकिन जो गिने चुने प्रोड्यूसर हैं उन्होंने छुपके से आपस में एक कार्टल फॉर्म किया है ना, और डिसाइड कर दिया कि हम महंगा कर लेंगे। तो इसमें कंज्यूमर्स का नुकसान होता है ना। तो ये होती है कार्टलाइजेशन। अब जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि अगर हमने आपको किसी जुर्म में पकड़ लिया कार्टल वाले केस के अंदर, तो अगर आप हमें किसी नए कार्टल के बारे में बता दोगे जिसका हमें नहीं पता पहले से, राइट, तो हम आपको लीनियंटली ट्रीट करेंगे, आपके जो फाइन्स हैं उन्हें कम कर देंगे। इस रिजीम को बोला गया है लीनियंसी प्लस। अभी ये 2023 में अमेंडमेंट आई है एक्ट में ना, कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट, अभी अप्रैल में निकला ये, राइट। तो उस एक्ट के अंदर है ये प्रोविजन लीनियंसी प्लस, पर इसकी अब नोटिफिकेशन आ गई है, इसको डिटेल में आउट कर दिया गया है। हुआ ना आप लोगों के साथ स्कूल में जब टीचर ने शरारत करते हुए पकड़ा था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, सच बता दे, है ना। तो ये आप लोगों के साथ हुआ है, और अगर आप सही बंदे का नाम बताते थे तो आपकी एक्चुअली जेन्युइनली आपको छोड़ दिया जाता था, राइट। इट इज द सेम थिंग। डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं यहाँ पे, कितने कम है, कितने लोगों के पास कम है, पूरे ठीक। आइए एक लाइन लिख लेते हैं पहले कार्टल्स के ऊपर, फिर थोड़ा आपको बेटर समझ में आएगा कि क्या है ये। वो डॉक्यूमेंट चाहिए था, हो गया। कार्टेल्स आर अ ग्रुपिंग ऑफ बिजनेसेस कार्टेल्स आर अ ग्रुपिंग ऑफ बिजनेसेस ये सिंगल भी हो सकता है, अगर वो मल्टीपल कंपनीज को एक साथ में ओन कर रहे हैं, तभी आपको गाड़ियों के प्राइसेस बड़े सिमिलर से देखने को मिलते हैं, है ना। ऐसे ही मतलब इंक्रीज हो रहते हैं कि इस साल इतने, अगले साल 1.5 लाख बढ़ गया, और अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स बढ़ गया जितनी और गाड़ियां भी हैं, राइट। कार्टेल्स आर ग्रुप ऑफ बिजनेसेस कंस्पायरिंग टू कीप प्राइसेस हाई कॉमा दे कोऑपरेट विद ईच अदर रादर देन कंपीटिंग। कहां तो कंपटीशन से प्राइस कम होना चाहिए था ना, पर इन्होंने आपस में हाथ मिला लिए और दोनों ने प्राइस हाई रखा और इंक्रीज और कर दिए। कंपटीशन में सस्ता होना चाहिए, और ये मोस्टली सीक्रेट होते हैं, ये मतलब आउट नहीं होते हैं, जब सब कुछ निकल जाता है ना उसके बाद में पता लगता है। स्टार्टिंग में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है बस, कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो रहा हो, बट इफ इट इज एक्चुअली हैपनिंग उसको कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। तो ये दीज आर मोस्टली सीक्रेट कॉन्स्पिरेसीज अकॉर्डिंग टू CCI। आइए बच्चे इसमें देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, बाय द वे एक सवाल तो सीधा आपको ऐसे ही आएगा कि लीनियंसी प्लस रिसेंटली हर्ड इन न्यूज, है ना, और उसके बाद में पूछ लेंगे कि ये क्या है, राइट। तो आपने उसमें केयरफुल रहना है कि ये वही है कि मेरे को उसका नाम बता दे तेरे को कुछ नहीं कहूंगा, एग्जैक्टली यही है ये। बाय द वे जस्ट अ स्मॉल डिस्कशन, मुझे आप थोड़ा सा बताओगे कि व्हाई कंपटीशन इज गुड, कैसे प्राइसेस रेगुलेटेड रह सकते हैं और क्वालिटी एश्योर हो जाएगी, ठीक है। और क्वालिटी कैसे, क्वालिटी एश्योर हो रही है, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, R&D इनोवेशन, है ना, तो उन सब चीज़ों में फ़ायदा होगा। और क्या होता है कंपटीशन से, कंपटीशन ना हो तो क्या नुकसान है,
मोनोपोली, मोनोपोली हो तो क्या दिक्कत है? ये पॉइंट चाहिए था। हाँ मतलब अभी आप कंज्यूमर की तरह सोच रहे हो, पर जब आपने मोनोपोली वर्ड बोला तो टेक्निकली आप कंज्यूमर की तरह नहीं, आप बिजनेस स्टार्टर की तरह सोच रहे हो कि अगर मोनोपोली होगी मैं कैसे घुसूंगा इसमें, है ना। आपको पता है एक फील्ड ल्यूक्रेटिव है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इसमें पैसा बहुत है, लेकिन आपका एंट्री पॉइंट ही नहीं है, राइट। तो यू अंडरस्टैंड कि क्यों ज़रूरी है कंपटीशन, क्यों ज़रूरी है, एंड हेंस यू कैन अंडरस्टैंड कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये क्यों ज़रूरी है। नाउ बस आई रियली डोंट वॉन्ट टू कमेंट, बट आप सोचना कि ये क्यों कर रहे होंगे ऐसा, वट कुड बी द रियल मोटिव बिहाइंड कि जिन्होंने ये लीनियंसी प्लस रिजीम निकाली है, इससे किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है, किसको पकड़ रहे हैं, क्यों नहीं, क्यों, मतलब वॉट इज़ हैपनिंग। थोड़ा मज़ा आएगा आपको सोचना उस पर। आइए डॉक्यूमेंट में आइए वापस। फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, अ कार्टेल मेंबर कैन डिस्क्लोज द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर अनरिलेटेड कार्टेल, कार्टेल राइट, इन एक्सचेंज फॉर एन एडिशनल रिडक्शन इन पेनल्टीज, मतलब थोड़ी सी रियायत मिलेगी, देयर बाय सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज इन कार्टेल इन्वेस्टिगेशन। ये इन्होंने मुंह पे कह दिया कि अगर होगा तो उनको हमारे, हम पेनल्टीज कम करेंगे, हमारे टाइम और रिसोर्सेज बचेगा, राइट। रिजीम का नाम नेक्स्ट में लिखा हुआ है, देन देयर इज कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट, लेट्स राइट समथिंग ऑन कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट, देखते हैं अमेंड क्या हुआ है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पता है सबको, कौन से एक्ट को रिप्लेस करके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लेके आए थे हम, किस कमेटी ने रिकमेंड किया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, मैं तो सामने लिखा हुआ, मैं तो बता दूंगा, लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लीजिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आ सकता है इससे सवाल, क्योंकि इसमें ना ऑलमोस्ट एवरीबडी इज अ कंज्यूमर, राइट। तो ये एक बहुत वाइड ग्रुप है कंज्यूमर्स, अगर हम बात करें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI, MRTP एक्ट, क्या फुल फॉर्म है इसकी, हाँ बस वही वाला, ठीक है, पॉइंट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, MRTP एक्ट बोलते हैं इसको। वॉज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन एक्ट 2002। ये पावर पैक्ड इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर ये, इसमें से दो तीन सवाल निकल सकते हैं स्टेटमेंट में। रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन एक्ट 2002 ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ राघवन कमेटी। मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत ईयर भी याद हो ना तो कमेटीज याद आ जाती है। वो पहले वाले डॉक्यूमेंट पढ़ लिए, पहले तीन चार, तीन का टारगेट था हमारा, चार का टारगेट था, हो गया, ठीक है। आज एक टेस्ट है आपका अभी 10 मिनट में, तो जिसके सारे आंसर ठीक होंगे उसकी 100% फीस वापस कर दी जाएगी। खुद ही हंस पड़े है ना, पहले ही पकड़ लिया, मजाक कर रहे, कहाँ टेस्ट बनाऊंगा तुम्हारे यार मैं इस चीज़ के। पढ़ लिए थे कि नहीं पढ़ लिए थे वैसे, पढ़े थे, हाँ। थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि हमारी मेमोरी वीक है, याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है हमारी, हाँ वही मकसद था उसका। तो अब से रिवीजन रेगुलर कर लेना करंट अफेयर्स की, ये भूल जाते हैं, कम से कम 3 बार पढ़ोगे तो जाके आप पेपर में थोड़ा सा वो ऐसे बैठ सकते हो कि हाँ यार पढ़ा हुआ है करंट अफेयर्स। अगर 3 बार रिवाइज नहीं किया तो भूल जाओ करंट अफेयर किया भी है, फिर घबरा के जाना पेपर में, ठीक है। आइए बच्चे लिखिए आगे,
क्या लिखा हमने लास्ट में भी? अच्छा, इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ना स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को जिन्होंने एक्चुअली एक्शन लेना है उनको लीगल ओपिनियंस दे सकते हैं, हाँ ये अपनी राय दे सकते हैं, है ना, ये मतलब है इसका, इस स्टेटमेंट का। अमेंडमेंट एक्ट लिख लीजिए 2023 का, कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। मैं आपको वो लिखवाया था जो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, डिटेल में पढ़ना है तो आप अलग से पढ़ लेना। एनी ट्रांजेक्शन फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ऐसे लिख लो, एनी ट्रांजेक्शन फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन एक्सीडिंग रुपीज 2000 crores will require CCI's approval. ब्रैकेट में लिख लो, इवन इफ दे डू नॉट मीट अदर क्राइटेरियाज, जैसे कि टर्नओवर क्राइटेरिया है, एसेट क्राइटेरिया है ना, वो अगर वो नहीं भी मीट कर रही, अगर ये हो रहा है नेक्स्ट इज द टाइम लिमिट फॉर द सीसीआई to pass an order is changed from 210 days to 150 days. The Act introduces the concept of global turnover. Global turnover को quotes में लिख लो, global turnovers of the company है ना, मतलब technically from all the products and services जो globally कमा रहे हैं, और जो हम fine लगाएंगे वो इस पे लगाएंगे, global turnover पे, ये नहीं कि आपके इंडिया में इतना है आपने बाकी सारा पैसा पहले ही बाहर कर दिया था, नहीं, तो हम ओवरऑल देखेंगे और उस हिसाब से फाइन लगेगा उसके ऊपर। तो नए एक्ट में ये हुआ है, और फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अगर नहीं लिखना तो रहने भी दो इसको, एज द बेंचमार्क फॉर इंपोजिंग पेनल्टीज, बेंचमार्क फॉर इंपोजिंग पेनल्टीज। और ये पेनल्टी क्यों लगाता है सीसीआई? सिर्फ एक चीज के लिए लगाता है, दैट इज द एंटी ट्रस्ट वायोलेशन, फॉर एंटी ट्रस्ट वायोलेशन। एंटी ट्रस्ट, एक वर्ड है एंटी ट्रस्ट। एंटी ट्रस्ट के बारे में पता आपको? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। ये मतलब इसका लिटरल ट्रांसलेशन जो बनती है ना, दैट इज कि ये कंपटीशन को बढ़ाने की बात होती है इसके अंदर, राइट? हाउ, जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं, ये ट्रस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहां पे आप सारे लोग एक जगह पे पैसा पूल करते हो और किसी एक बंदे को बोलते हो कि आप ही ने देखना है जो देखना है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द ट्रस्टी, राइट? कॉन्सेप्ट वाइज एंटी ट्रस्ट इज ऑपोजिट ऑफ दैट, कि यू डू नॉट हैव टू कंसंट्रेट योर वेल्थ एनीवेयर, वो जितना मार्केट में रहे उतना अच्छा है, जितना बाहर रहे, इट विल इंक्रीज द कंपटीशन। सो एंटी ट्रस्ट, अगर कंपटीशन इज एंटी ट्रस्ट, जो उसको वायोलेट करता है उसके ऊपर आप वो जो है फाइन पेनल्टीज लगाते हो, राइट? कंपटीशन होना चाहिए, तो अलग अलग चीजों से कंपनी जैसे करती है कि उनका वेंडर खरीद लिया,
वेंडर से ज़्यादा सप्लाई मांग ली, पहले डील कुछ और रखी है, उसको पता है कि यही वेंडर अब उसको भी सामान सप्लाई कर रहा है, वो भी सेम सा बनाने की कोशिश कर सकता है, तो इससे सारा ही खरीद लिया, तो दैट मीन्स आपने कंपटीशन किल कर दिया, राइट? देर आर एन नंबर ऑफ वे जिससे कंपटीशन किल होता है। आपने भी कई सारी शॉप्स अपने आसपास खुलती हुई देखी होंगी, बाद में बंद हो गई थी, राइट? बट देर आर सर्टेन शॉप्स जो कि ऐसे एरिया के अंदर शॉप्स चलाती हैं कि जहाँ पे उनका लॉस होता है लेकिन वो बाकी किसी को उठने नहीं देना चाहती। देर आर सर्टेन आउटलेट्स, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दोज, पर आप लोगों को शायद एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि कंपनी का लॉस है उस जगह पे शॉप चलाना या आउटलेट चलाना या फैक्ट्री चलाना, कुछ भी है ना, पर फिर भी वो चला रही है ताकि कोई और ना आसपास खड़ा हो सके, नाम रहे उसमें, है ना। आइए बच्चे, थैंक यू। एंटी ट्रस्ट के बारे में लिखने, एक लाइन लिख लें, है ना। आई थिंक अपने जिस हिसाब से आपकी शक्लें, मेरे को लग रहा है पहली बार सुना है वर्ड, फर्स्ट टाइम सुना है, सुना हुआ पहले, दोस्ती के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कि उस पे तो, हाँ जी तो है ना, एंटी ट्रस्ट कम आता है ये वर्ड, जब कंपटीशन को समझने जाते हो ना उसके लास्ट में आता है एंटी ट्रस्ट, बड़ी लॉयर्स वाली टर्म है ये। लिखो बच्चे, एंटी ट्रस्ट इज द बॉडी ऑफ लॉज दैट कंट्रोल्स द क्रिएशन यूज एंड अब्यूज ऑफ मार्केट पावर। नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए, ये सब सारी डेफिनेशंस ही हैं इसकी। नेक्स्ट लाइन, इट मींस इन ऑपोजिशन ऑफ ट्रस्ट और कॉम्बिनेशन, इससे क्लियर हुआ? इट मींस इन द ऑपोजिशन ऑफ, ऑपोजिशन ऑफ या ऑपोजिशन टू, ऑपोजिशन टू ट्रस्ट और कॉम्बिनेशंस। तो एंटी ट्रस्ट का सीधा सा मतलब यही है, कंपटीशन ही है, राइट? आइए बच्चे डॉक्यूमेंट में वापस आइए। तो जब भी एंटी ट्रस्ट आप वर्ड आपको सुनाई देगा तो वो आपने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से ही जोड़ना है, इसके अलावा कम ही है और ऑर्गेनाइजेशन जो एंटी ट्रस्ट लॉस के हिसाब से डील करती है, राइट? और ये ऑलरेडी आपके यूके, यूएस, सिंगापुर और एक आपके ब्रिक्स कंट्री में से भी है, है ना, इनमें ऑलरेडी ये लॉज हैं कि जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन के लिए वो करते हो, दैट मींस ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, है ना। कॉम्बिनेशंस मर्जर्स होते हैं ना, कॉम्बिनेशन, यू कंबाइन। चलिए बच्चे चले आगे, आज सारे टॉपिक्स बहुत हल्के हैं, ऐसे ही रहने वाले हैं, और एक एनिमेशन आने वाली है, आई होप इट वर्क्स। बहुत इजी सा टॉपिक है ये, इंश्योरेंस रिफॉर्म्स, इसकी नीड भी है इंडिया में। कॉन्टेक्स्ट लिख लो इसका, क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिर शायद आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें थोड़ा बेटर हो जाए। इंडिया इज द 10th बिगेस्ट मार्केट इंश्योरेंस की, इसकी बात हो रही है इंश्योरेंस फील्ड में। इंडिया इज द 10th बिगेस्ट मार्केट एंड इज प्रोजेक्टेड टू बी 6th, एंड इज प्रोजेक्टेड टू बी 6th बाय 2032। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया
इंक्रीज फ्रॉम 3.76% इन 2019-20 3.76% in 2019-20 to 4.20% in 2020-21. 4.20% बाय द वे जो ये जो इंक्रीज है ये इट इज मोर देन 11% इंक्रीज राइट ग्रोथ जो है वो 11% की है इसमें दैट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंश्योरेंस का और वर्ल्ड एवरेज से बहुत पीछे हैं हम आइए तो 8 मेंबर कमिटी इन्होंने यहाँ पे फॉर्म करी है जिन्होंने बोला है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी वर्डिंग्स को सिंप्लीफाई करने वाले हैं 8 से 10 हफ्ते के अंदर इनको रिपोर्ट देनी है अगर रिपोर्ट आ गई और ढंग की हुई तो हम क्लास में भी कवर करेंगे कि क्या उन्होंने बोला है पर आई फील कि ये ना आज आपको एक बहुत सुंदर सा एक क्रिएशन का मौका है वील राइट नाउ वील आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन इंश्योरेंस सेक्टर एंड यू विल सी कि जब 8 से 10 हफ्ते बाद में जो वो बोलने वाले हैं उसमें और आपके सॉल्यूशंस में कितनी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है इट्स अ मौका है ना बाद में फिर हमने वो एनिमेशन भी देखनी है ना What are the challenges related to insurance sector? Now I need you guys. Bogus claims. बिल्कुल सही है. Bogus claims. और प्रॉब्लम क्या है मतलब आप कहना चाह रहे हो कि एजुकेटेड नहीं है अवेयर नहीं है अवेयर अवेयर बोलना चाह रहे हो एजुकेटेड बोलना चाह रहे हो आपका भी सेम ही पॉइंट है ठीक है इसको स्ट्रक्चर करो फील मत करो इस प्रॉब्लम को Do not think कि तुम्हारे कंपनी ने इंश्योरेंस रोक दी और अब तुम खाना कहाँ से खाओगे नहीं आई एम आस्किंग यू कि प्रॉब्लम क्या है ठीक है वो तो उन्होंने कमेटी बना दी और कमेटी बताएगी वो सॉल्व करेगी और इंश्योरेंस सेक्टर की क्या प्रॉब्लम है इंश्योरेंस पॉलिसी के डॉक्यूमेंट के अंदर क्या लिखा है उसकी प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा हूँ मैं इंश्योरेंस सेक्टर की क्या प्रॉब्लम है इंश्योरेंस सेक्टर की एक प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है वो आपके IRDAI ने बता दिया कि यार कमेटी बना दी है और क्या प्रॉब्लम है इंश्योरेंस सेक्टर में एक इन्होंने अच्छा बोला था क्लेम्स वाली बात जो करी थी फॉल्स क्लेम्स इसको फ्रॉडुलेंस बोलते हैं वैसे इस पूरे प्रोसेस को फ्रॉडुलेंस बोलते हैं ये दोनों पार्ट्स पे होता है सोचो सोचो आपको पता है यार क्या कर रहे हो आपको पता है कोई बाहर थोड़ी आप ही के देश की बात करी जा रही है आप लोगों की हर चीज़ इंश्योर्ड होएगी ऑलमोस्ट आपको तो फोन्स की भी आने लग गई है ना हाँ तो आप लोगों ने तो वो भी ली होगी स्टार्टिंग में आपने प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं इंश्योरेंस वाले आपको पता है इंश्योरेंस क्या चीज़ है आप बस उसको कॉन्शियसली सोच नहीं पा रहे हो उसे कॉन्शियस डोमेन में लेके आओ एक बार प्रोसेस लेंदी है मतलब एक ही बात होगी टाइम तो उतना ही है देखो 24 घंटे ही हैं मैनेजमेंट वो तो मैनेजमेंट है कैन वी से दैट कि अगर आप टाइम की बात कर रहे हो वी कैन से दैट कि इसमें ना पर्टिकुलरली इंश्योरेंस एक सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ना इनोवेशन इतना अभी डीपली नहीं आई है अभी बहुत रिसेंटली आपने सुनना शुरू किया है कि आप एक जगह पे सारी इंश्योरेंस खरीद सकते हो बहुत रिसेंट फिनोमिना है ना डिजिटल इंडिया बहुत पहले से चलता आ रहा है बाकी सारी चीज़ों में बहुत पहले से हो गया था बट इंश्योरेंस एक पर्टिकुलर ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन नहीं हो पाई है
एक्चुअली ये इन्होंने IADAI की अपनी स्टेटमेंट है ये, राइट। और सोचो, अभी तो मैंने आपको बताया कि कितने परसेंट है हमारे इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, 4.220%, और हम कितना है, 10th बिगेस्ट है, तो हमारे से ऊपर 9 है अभी, और इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। उस कॉन्टेक्स्ट में सोचो इसको, कि हमारा परसेंटेज अगर मान लो इतना भी है तो मतलब हमारे को बहुत बड़ी पॉपुलेशन छूट रखी है अभी। और क्या हो सकता है, हाँ लोअर, वो मतलब ये अडॉप्शन रेट कम है इसका। आओ अब लिखना शुरू करते हैं, अब आप लोग पहुंच गए, थोड़ा थोड़ा चैलेंजेस लिख रहे हैं हम इसके ना, इंश्योरेंस सेक्टर के, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये क्यों क्यों जरूरी है। जहां जहां पे डिसएग्री करोगे मेरे को बताते रहे ना, हम वर्ड्स चेंज कर देंगे, ठीक है, या पॉइंट नेग्लेक्ट कर देंगे। नंबर वन, लोअर एडॉप्शन रेट, लोअर एडॉप्शन रेट क्यों क्यों होगा वैसे, अवेयरनेस लिख लो, इसके सब पॉइंट्स बनेंगे, हर के सब पॉइंट्स बनाएंगे हम। लैक ऑफ अवेयरनेस, हाँ, इलिटरेसी, कैन वी से दैट पीपल डू नॉट ट्रस्ट इंश्योरेंस, हाँ, डिस्ट्रस्ट, मतलब डिस्ट्रस्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो आप, पर इसको ना हम फ्रॉडुलेंस में डाल सकते हैं, कि अगर वो आपको कोई सेल्समैन आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जो अनट्रू है, उसकी स्टेटमेंट अनट्रू है, तो फ्रॉड हुआ ना, है ना। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए अब फ्रॉडुलेंस, FRAUDULENCE, फ्रॉडुलेंस। इसको तो नहीं एक्सप्लेन करने की जरूरत। बाय द वे, एक सर्वे किया था IRDAI ने रिसेंटली, उसमें 70% ऑफ द इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स ने ये बोला था कि हमको फॉल्स क्लेम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। और फॉल्स क्लेम्स का मतलब ये नहीं है कि आपने गलत क्लेम डाल दिया, फॉल्स क्लेम का मतलब ये भी होता है कि आपकी आइडेंटिटी यूज़ करके कोई और बंदा क्लेम डाल रहा होता है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स क्लेम। कोई दिमाग में फॉल्स क्लेम के लिए कोई फॉल्स क्लेम मत रखना, है ना। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, फॉल्स क्लेम मतलब ये नहीं है कि आप बेईमान हो, आपके आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती है उसमें। हैंस वी नीड साइबर सिक्योरिटी, हैंस वी नीड सर्ट इन, राइट, है ना। तो वहाँ पे है, और जो हमने पहले स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी थी, जो ये दोनों पॉइंट्स बोल रहे थे, वो यही है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी पेनिट्रेट नहीं हुई है यहाँ पे, एसिमिलेट नहीं हुई है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी वहाँ पे। नेक्स्ट लिखिए आप, इसको ऐसे डाल देते हैं, लैक ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशन, हाउ अबाउट इट। Lack of product innovation. इसी के अंदर ना आप सब पॉइंट बना लीजिए, स्लो डिजिटाइजेशन, हाउ अबाउट इट। ठीक है ये पॉइंट, स्लो डिजिटाइजेशन कहने का मतलब यही है इसमें, एक इनके पॉइंट को भी थोड़ा स्ट्रक्चर दिया जा सकता है बाय राइटिंग क्लेम्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम। उसके अंदर आपका वो आएगा कि जो आपका क्लेम रिड्रेसल है ना, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, दे ऑपरेट अंडर ओपेक विंडोज। लिख लीजिए इसको बच्चे, द क्लेम्स प्रोसेस, कोई गया वैसे क्या इंश्योरेंस क्लेम के प्रोसेस के थ्रू, ना ही जाओ तो अच्छा है। द क्लेम्स प्रोसेस इज ऑफन सीन एज कॉम्प्लिकेटेड, जिस भी वर्ड में प्रॉब्लम लगेगी कि ऐसा तो नहीं है मुझे बता देना,
चर्चा कर लेंगे. सीन एज कॉम्प्लिकेटेड, स्लो एंड ओपेक. ये क्यों लिखवाया गया आपको? बिकॉज अगर आप इन तीन वर्ड्स को रिवर्स कर दोगे, है ना, इसका ओपोजिट करना है आपको, वो सॉल्यूशन आ जाएगा उसका, राइट. सो व्हेन यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम करेक्टली तो आप एक एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ जाते हो. दैट इज़ व्हाई आई एनकरेज यू कि आप हिम्मत करके ना बोल दिया करो जो आपको प्रॉब्लम फेस होती है ना. हम में से किसी के पास भी मेंटल स्पेस नहीं है कि आपकी इमेज बना के घर लेके जाएंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस. तो आप लोगों की इमेज के ऊपर कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वो नॉन एग्जिस्टेंट है. वी डोंट केयर, सीधी सी बात है, वी डोंट केयर. आप लोग क्या सोच रहे हो, आपकी इमेज क्या बनेगी? नहीं, आपके पास प्रॉब्लम लेके आओगे, हमारे लिए प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम होती है, बस दैट इज ऑल, है ना. तो अगर कोई फंसता है कहीं पे, दिमाग खराब होता है कभी, एक तो मेरी एनिमेशन देख के ठीक हो जाएगा, दूसरा आपको बोलना है ना. अच्छा, एंटिसिपेट कर रहा है क्या क्या होगा? नहीं कर सकता, मेरे को बहुत मेहनत लगी है कल वो करने में. हाँ, इंस्टेबिलिटी कैसे बचे? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं. वो इंश्योरेंस का जो करंट जीडीपी के हिसाब से कंट्रीब्यूशन है, दैट इज लेस देन 5%, है ना. तो अगर आप ग्रोथ, जैसे वो ग्रोथ को लिंक करना चाह रहे हैं, तो करंटली इट इज़ लेस देन 5%. हम जो करना चाह रहे हैं दैट इज़ क्लोज टू 10%, राइट. तो वही एंगल बोल रहे हो आप. हाँ बिल्कुल हो सकता है, सही बोल रहे हैं. व्हाट इज़ इंश्योरेंस डेंसिटी? एरिया, तुम सेक्टर की बात करना चाह रहे हो? अच्छा हाँ बच्चे, वही इसमें जो हमने स्टार्टिंग में लिखा ना कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, वो ये सब्स्यूम करता है पॉइंट. उसके सब में लिख सकते हो आप ये. पर अब ना रूरल एरियाज में इंक्रीज हो रही है. हाँ बिल्कुल, तो वो अवेयरनेस से रिलेटेड है, लिख सकते हो आप इसको. गुड पॉइंट, अच्छा सोचा है बच्चे. ये एक बार आप देख लेना, इसके अंदर ना कमेटी में कौन कौन मेंबर्स हैं, यहाँ पे नाम मेंशनड है उनके, ऑन पेज नंबर 3, बॉटम पॉइंट, लास्ट पॉइंट, है ना. तो पीसीएस वाले इसको देख सकते हैं एक बार, एटलीस्ट चेयरमैन जरूर देख लें कि चेयरमैन कौन है. इसके अलावा बाकी चाहे आप रहने दो. इसके अलावा IRDI की एक विजन है, विजन 2047. आपके मेंस के आंसर के लिए मैंने ये सारे पॉइंट आपके सामने रख दिए हैं. आपका जो आंसर कंस्ट्रक्ट होगा वो इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू होगा, ठीक है जी. तो वी आर एमिंग 100% पेनिट्रेशन बाय 2047, ठीक है, ये एम है जी. और हमारे पिलर्स कौन कौन से, अगर आप देखोगे तो पिलर्स बहुत इजी हैं पिलर्स इसमें, इज दैट योर पॉलिसी होल्डर्स, आपके इंश्योरर्स और आपके इंटरमीडियरीज. तो इन सब के रिफॉर्म्स आएंगे आने वाले टाइम में. और आपके सामने इनके फोकस एरियाज भी दे दिए कि राइट प्रोडक्ट्स टू राइट कस्टमर, ग्रीवियंस रिड्रेसल जो कि आजकल प्रॉब्लम चल रही है जिसकी, फैसिलिटेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब इसके मतलब कि आप यहाँ पे भी आप स्टार्टअप्स देखने वाले हो आप आने वाले टाइम में, राइट, क्योंकि फोकस एरिया में आ गया है. ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं. बाय द वे, जैसे कुछ समय पहले तक IMD की प्रॉब्लम थी ना कि उनकी प्रेडिक्शंस इतनी टॉप क्लास नहीं आती थी. आई टोल्ड यू कि वहां पे कोई भी जो टॉप टैलेंट है इंडिया का वो वहां के लिए ऑप्ट नहीं करता था. सेम फंडा अभी आपको इंश्योरेंस के साथ में देखने को मिलेगा, इंश्योरेंस सेक्टर के साथ में जो टॉप टैलेंट है ना, आपके जो बचपन से याद के जो क्लास के टॉप पढ़ने वाले बच्चे होंगे, टॉप इनोवेटर्स होंगे, टॉप आर्टिस्ट होंगे, राइट, वो नहीं जाना पसंद करेंगे. किसी की पहली चॉइस नहीं होगी कि मेरे को इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है. तो यहाँ पे बंदा आता ही जब बाकी जगह धक्के खा लेता है ना, तो बंदा इसमें आता है कि यार चलो ठीक है, अच्छी पोस्ट मिल रही है, यहाँ पे ले ही लेते हैं.
राइट, तो फिर वो सिर्फ जॉब की तरह रह जाएगी। तो ये भी एक टैलेंट मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम यहाँ पे, और भी कई फील्ड्स में आपको देखने को मिलेगी। चले बच्चे आगे, सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए एक और स्कीम लॉन्च हुई है। बेसिकली इस स्कीम के अंदर खुद में तो इतनी चीज़ नहीं है, लेकिन अगेन ये एक कंपाइलेशन टाइप है कि पहले से स्कीम चल रही थी उसको इसके अंडर करेंगे, प्लस कुछ नए फंड्स नए तरीके से डिस्पर्स करने के लिए। दिस इज द स्कीम, मुद्दा यही है। इफ़ समवन वांट्स टू राइट, तो ये मुद्दा इसका सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना ही है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पीएम अजय। इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे बच्चे, अगर यूपीएससी सवाल पूछेगा तो वो इसी स्टेटमेंट में से पूछेगा और घुमाएगा। एक एक वर्ड देखते हैं इसमें। इट एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी ऑफ द एससी कम्युनिटीज, ठीक है। इसमें एसटी, आपके दिव्यांग, ये सब नहीं मेंशन है, ठीक है। ऑफ द एससी कम्युनिटीज बाय जनरेशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट, एडिशनल इज द कीवर्ड यहाँ पे, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू, कैसे करना है, स्किल डेवलपमेंट, इनकम जनरेशन स्कीम्स एंड अदर इनिशिएटिव्स। अदर इनिशिएटिव्स में आपके मतलब और सारी चीज़ें भी इसके अंदर होंगी, कि पीएम अजय अपने आप में कोई स्कीम नहीं है, बट ये कंपाइलेशन ही कह सकते हैं इसको एक तरह से। सेकंड अगर आप लाइन देखेंगे, बाय द वे ये भी आपको कुछ कुछ हाईलाइट करके जाएगी ये वाली लाइन। इट एड्स टू इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बाय इंश्योरिंग एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिक्विजिट सर्विसेज। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू डेवलप समवन और अ प्लेस जिसमें आप चाह रहे हो कि आपकी सोसाइटी सोशोलॉजिकल डेवलपमेंट प्लस आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो आपको ना इंफ्रा प्लस सर्विस देना पड़ता है। समझ रहे हो कि अगर आपने वहाँ पे इंफ्रा लगा दिया, सिर्फ स्कूल बनवा दिया, है ना, टीचर नहीं है, अब इंफ्रा तो है वहाँ पे, लेकिन फिर भी आपकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई है। वी कैन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट समवट हो गई है क्योंकि अब हमारे पास एसेट है, राइट। तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझने के लिए ना ये मतलब ये पूरी स्कीम आपको बहुत हेल्प करने वाली है कि वॉट एग्जैक्टली इज सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आता है ना सवाल के अंदर, हाईलाइट द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट परस्पेक्टिव्स ऑफ द फॉलोइंग, ये वो, तो है क्या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट? वो ऐसे है, वो हैंड इन हैंड चलती है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज के, राइट। आइए बच्चे, अब क्योंकि सोशल जस्टिस को प्रमोट कर रही है, इट इज अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। बच्चे नेक्स्ट पेज के अंदर आप आओगे तो वहां पे ना ग्रांट्स किन किन को मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो इधर मेंशन्ड है। इसके साइड पे ना बच्चे आप एक हेडिंग डाल लीजिए, द स्कीम हैज थ्री कॉम्पोनेंट्स। अब क्योंकि तीन कॉम्पोनेंट्स है ना, तो आप समझ रहे हो कि मेन्स का प्री का इसमें सवाल बन सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट। तीन कॉम्पोनेंट्स है, नंबर वन PMAGY प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम इज आर दी विलेजेस, आदर्श ग्राम का मतलब हो गया आपका आइडियल विलेजेस। तो ये आइडियल विलेज बनाना चाह रहे हैं उस विलेज को जहाँ पे एससी पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में है, तो उस विलेज को आदर्श ग्राम घोषित कर दिया जाएगा और उसको वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ये सब कुछ उधर होगी थ्रू वेरियस स्कीम्स की इंटीग्रेशन के थ्रू ही, राइट। पर इस स्कीम को ये कहा जाता है ये इसके अंडर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम क्या चीज़ है, आपके फर्स्ट पॉइंट के अंदर मेंशन है बच्चे, साथ ही में ना पेज नंबर 5 पे अगर आप देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एससी डोमिनेटेड विलेजेस इनटू एन आदर्श ग्राम, ये भी आपके सवाल आ सकता है वहां पे। ठीक है बच्चे, सेकंड इज
सेकंड इसी का पार्ट है जो ये है ना, ग्रांट्स इन एड फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स फॉर, इसका नाम है एक, तो सेकंड कंपोनेंट जो है स्कीम का वो लिख लीजिए, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस SCA, ऐसे अभी मत लिखना, ये उसके पूरी और लंबी फुल फॉर्म है, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट्स सब प्लान, ये बना SCA टू TO2 SCSP, ये है स्कीम। ठीक है बच्चे, थर्ड कंपोनेंट भी लिख लीजिए आप, वो भी पैसे वैसे से रिलेटेड है, क्योंकि बाबू जगजीवन राम BABU बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना CHH छात्रावास योजना, क्या होता है छात्रावास, किसको बोलते हैं, हॉस्टल का, छात्रावास योजना। तो ये क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स बिलोंग फॉर पीपल बिलोंगिंग टू SC कम्युनिटी। तो अगर मान लो आपको सोशल जस्टिस के ऊपर कोई सवाल आता है ना बच्चे, तो ये एक पर्टिकुलर स्कीम आप मेंशन कर सकते हो, ये मल्टी प्रोंग्ड ये आपकी स्कीम है, ये इसमें बहुत कुछ कवर हो रहा है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रा डेवलपमेंट, सब कुछ है इसके अंदर, राइट, एडिशनल इनकम प्रोवाइड करना, राइट। सो टेक्निकली ये स्कीम प्रॉपर रिप्रेजेंट करती है आपके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, है ना, तो ये स्कीम आपके लिए एक विंडो है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझने के लिए, राइट। मतलब किसी चीज़ को समझ के पढ़ने में उतना ही अंतर है जैसे आपको कॉलेज में जाने से पहले एक आइडिया था ना कि कॉलेज लाइफ क्या होती है, फिर आपने जी, फिर अब आपको एग्जैक्टली पता है वो क्या होती है, चाहे आप वर्ड सेम यूज़ करो वो 11वीं 12वीं वाले कि कॉलेज लाइफ ऐसी होती है, थी भी वैसी, लेकिन नाउ यू मीन इट डिफरेंटली। तो ये प्रोसेस होता है, इसका फ़र्क डलता है आपकी सोच पे। तो दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग कि ये जो स्कीम है ये आपकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने के लिए एक विंडो है, है ना, कि क्या होती है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी जो स्कूल बनने से ही सॉल्व हो रही है, वो इंफ्रा से ही सॉल्व हो रही है, या फिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है इंफ्रा दे दी है फिर भी सॉल्व नहीं हो रही, राइट, और आपको सॉल्व करनी है, है ना, आप लोगों ने तीर उड़ाया है। चलिए बच्चे चले आगे, ये गांव है बाय द वे, इट्स अ विलेज दौर दो, हाँ बच्चे गुजरात में दौर दो विलेज। हाँ ये विलेज है, जस्ट लुक एट इट, पहले तो ये विलेज देखो आप, फिर अपनी वाली याद करो, फिर वो याद करो वो जूता जो गोबर में भर गया था घुसते ही, आपके टायर पे चिपका हुआ, सब कुछ याद करो, और ये एक विलेज है। कॉन्टेक्स्ट इसका ये है बच्चे कि ये अभी रिसेंटली आपकी 54 बेस्ट टूरिज्म विलेजेस के अंदर इस लिस्ट में इंक्लूड हो गई है, राइट, बाय आवर UNWTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने इस विलेज को, ये हट्स हैं बाय द वे साइड पे ना, जिनके अंदर वॉशरूम एंड गीजर दोनों हैं इनमें, है ना, अच्छी अच्छी जगह है वैसे, जाने का मन तो कर रहा है ना, तो ये मतलब आप समझ रहे हो कि ये वाली स्लाइड मैंने यहाँ लगानी नहीं थी, ये सिर्फ क्योंकि मैं घूम रहा था उसको देख रहा था, तो मेरे को था मैं चलो आपको भी दिखा दूँ, मैं जगह तो अच्छी है देखो, नो डाउट, है ना, इसीलिए टॉप 54 टूरिज्म विलेजेस के अंदर, टॉप 54 विलेजेस नहीं बोल रहा मैं, टूरिज्म विलेजेस, राइट। जब भी हम टूरिज्म की बात करते हैं, हम लोग जब इंडिया को भी प्रमोट करते हैं, आइदर वी प्रमोट आर लैंडस्केप, है ना, या हम अपना क्यूजीन प्रमोट करते हैं, खाना पीना, कि आप इधर आओगे उधर कुछ मिल रहा है, इधर कुछ मिल रहा है, इधर कुछ मिल रहा है, इधर कुछ मिल रहा है, आप आओ,
यहाँ हम मॉन्यूमेंट्स प्रमोट करते हैं, विलेजेस हम बहुत कम प्रमोट करते हैं। क्यों क्यों कम प्रमोट करते हैं? लायक ही नहीं है, प्रमोट कैसे क्यों किस चीज को प्रमोट करेंगे, राइट? बट ये लिस्ट के अंदर आया तो ये हमारा एक मॉडल बनने वाला है कि विलेजेस को कैसे डेवलप किया जा सकता है और टूरिस्ट यहाँ पे एक्चुअली आते हैं। आइए बच्चे देखते हैं, डज एनीबडी नो कि क्यों इसको मतलब ऐसा बनाया गया, हाईलाइट क्यों किया गया? यहाँ ना G20 की मीटिंग हुई थी एक, ये उसका वेन्यू है ना, तो आपने ज़्यादा पागल नहीं बनना इसको देख के, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं तो। लिख लो आप, स्टार्ट ही ऐसे करो, द विलेज होस्टेड द फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। अब समझ में आया क्यों है ऐसी, देख देख के चौंक रहे थे। फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इसमें TW और GE कैपिटल ऑफ द G20। किसकी तरह? हाँ बनाया तो वैसे ही है, पर वो पानी नहीं है, वो पेंट है। मुझे भी पानी लगा था, ब्लू पेंट है वो। ये इधर को पेंट नहीं, नहीं नहीं नहीं, इतना नीला नहीं होता पानी। अगर देखिए कोई वाटर बॉडी, लेक वेक पे गए हो, इतना नीला देखा है तुमने आज तक पानी? वो धोखा है पेंटिंग्स में और इसमें दिखाने के लिए, नहीं होता पानी इतना ऐसा नीला। आइदर वाटर इज क्लियर या उसमें इम्प्योरिटीज होती है। नीला जो आप स्विमिंग पूल वगैरह में देखते हो, आइदर देर आर टाइल्स डाउन देर और यू पुट अ कलर, राइट? दैट इज वाई वी कॉल, मतलब आप समझ रहे हो कि ट्रूथ ना किताबों में आपके सामने पढ़ा होता है पर आप नहीं देख रहे होते उसको। ये इसका एक एग्जाम्पल है ये, आज से पहले मुझे लगता नहीं। जैसे जैसे ना एक मेरे को वो बहुत अजीब लगता है, आपने बचपन सुना होगा कि कल कल करके बहती नदी, सुना ना ये टर्म कि नदी कल कल करके बहती है? मेरी बात मानो, कभी ना नदी को बहते हुए सुनना, आपको आज की साउंड आएगी उसमें से, कल कल नहीं करती है नदी, यू जस्ट लिसन। तो इतना आपको अजीब, वो कुछ और कहना चाह रही है एक्चुअली नदी, कुछ वो जो जो स्टेटमेंट है ना वो कुछ और कहना चाह रही है। वैसे ही पानी नीला पेंट है, तो आपको एक आई चाहिए उसको देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना? आपके सामने ही है, एवरीबडी इज ऑब्जर्विंग दिस एग्जैक्ट सेम थिंग, यू जस्ट नीड द आई। आइए बच्चे, बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि अगर मान लो हमने वर्ल्ड टूरिज्म के ऊपर हमने अपनी विलेज को प्रमोट कर दिया, टॉप 54 में आ भी गई, आपको क्या लगता है उनका क्राइटेरिया क्या होगा? सोचो क्या होगा क्राइटेरिया। ऑनलाइन आज तुम लोग बड़े शांत बैठे हो, तुम हो भी इधर, एक बारी हाय हेलो लिख के भेजो मेरे को। विलेज है टूरिज्म के लिए बहुत सही है, क्या कर रही होगी ऐसा? वो बिल्कुल होगा, यही सब चीजें, कल्चर और लैंडस्केप और क्यूजीन और उसकी प्रेजर्वेशन, ये आपको हर जगह मिल, क्या बोल रहे बच्चे? हाँ वो तो बेस है। आइए बच्चे देखते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट देखिए प्लीज एक बार। तो आपकी UNWTO जो है बच्चे, इट्स एन एजेंसी टू प्रमोट टूरिज्म फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका एक प्रोग्राम है जिसको कहा जाता है टूरिज्म फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनकी लिस्ट होती है ये बाय द वे, है ना? आगे देखिए बच्चे, द रिकॉग्निशन गोज टू द विलेजेस, लास्ट पॉइंट देखिए पेज नंबर 5 के ऊपर एक बार, रिकॉग्निशन गोज टू द विलेजेस दैट आर लीडिंग द वे। पढ़िए इसको एक बार साथ साथ देख लीजिए आप, बहुत
वाइल प्रिजर्विंग, वो यहाँ पे कीवर्ड है कि वो कर तो रहे ही है बट वाइल प्रिजर्विंग आपका कल्चरल डाइवर्सिटी एज वेल एज कल्नरी ट्रेडिशंस। नहीं तो अदरवाइज अगर जैसे इस विलेज को अगर मिल सकता है ना, वी हैव नॉर्थ ईस्ट में बहुत अमेजिंग कुछ कुछ विलेजेस हैं, आप ब्यास नदी क्रॉस करोगे आपको वहाँ पे कुछ इतनी अमेजिंग विलेजेस मिलेंगी, पंजाब के इंटीरियर में चले जाओ, राइट। सो ये कुछ कुछ नया खुल रहा है आपके सामने बाय द वे, है ना। अगर हमारी इकोनॉमी एक रूरल इकोनॉमी है, हमारी पॉपुलेशन, हमारे पास इतना बड़ा चंक रूरल पॉपुलेशन का है, तो हम आराम से रूरल टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपको डीजे बंद करना पड़ता है ना शादी में 10 बजे, थोड़ा सा बाहर जाओ यहाँ से सुबह 4 बजे जब तक लड़ाई ना हो जाए डीजे वाले के साथ। तो अगर ऐसी आइसोलेशन वहाँ पे पॉसिबल है तो आप व्हाई नॉट आप उसको यूज़ करो। नहीं आपका यूथ भागेगा बाहर को, आपकी अगर स्टेट खाली हो रही है, यूथ आपका बाहर जा रहा है, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी है, राइट। एग्रीकल्चरल स्टेट है यूथ, आज का यूथ वो एग्रीकल्चरल लेबरर को तो गाली देगा लेकिन लेबर करेगा नहीं, वो खेत में काम नहीं करेगा लेकिन फिर वो क्या करेगा। और एग्रीकल्चरल स्टेट है, इंडस्ट्रियाँ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री आएगी सिर्फ, वो आ नहीं रही है तो यूथ बाहर ही जाएगा ऑब्वियसली, है ना, इट्स अ प्रॉब्लम। तो उसका एक सोल्यूशन है ये प्रोबेबल कि आप अपनी विलेजेस को टूरिज्म स्पॉट में बदल दो, कुछ कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दो, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो और ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर दो, आप एक्सेस प्रोवाइड कर दो, सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कर दो, अवार्ड्स भी आएंगे और टूरिस्ट भी आएंगे, राइट। बच्चे नेक्स्ट पेज नंबर 6 पे आप देखिए प्लीज एक बार, जो फर्स्ट पॉइंट है, द एकोलेड रिकॉग्नाइजेस रूरल डेस्टिनेशंस दैट आर एम्ब्रेसिंग टूरिज्म। ध्यान से देखिए, टूरिज्म एज अ ड्राइवर ऑफ डेवलपमेंट एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, यही बात कर रहा हूं मैं कि हम भी अपने विलेजेस में से ये चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एकोलेड का क्या मतलब होता है? अवार्ड और प्रिविलेज, है ना, एकोलेड उसको बोला जाता है। आप यहीं पे कहीं पे लिख लीजिए, द प्रोग्राम एम्स टू, किस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, बेस्ट टूरिज्म विलेजेस, ये प्रोग्राम का नाम है, बेस्ट टूरिज्म विलेजेस, द प्रोग्राम एम्स टू, देखना क्या क्या कर रही है। नंबर 1, कॉम्बैट रूरल डीपॉपुलेशन, सेकेंड इज एडवांस जेंडर इक्वालिटी, थर्ड वन इज इनोवेशन। समझ में आ रहा है सब कुछ? हाँ, ये आपकी मेंस की तैयारी हो रही है आज, पिछले एक दो लेक्चर से, राइट, ये आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ये। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, लास्ट इज रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी। और रीजनल इनइक्वालिटी की जब हम बात करते हैं, अगर कुछ नहीं मेंशनड होता तो मोस्टली इट मींस आपकी इनकम एंड डेवलपमेंट की इनइक्वालिटी, ठीक है। वेन एवर वी टॉक अबाउट रीजनल इनइक्वालिटी तो मोस्टली इकोनॉमिकल इन नेचर ही होती है, क्योंकि अदरवाइज तो वी आर सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी ना, तो वहां तो आपको इनइक्वालिटी क्या, वहां पे डिफरेंशिएशन तो देखने को मिलेगी, बट गांधी जी सबके लिए एक है, है ना, नोट सबके लिए एक है, मनी सबके लिए एक है। बाय द वे एक और फन फैक्ट बता दूं कि ये हर कंट्री को ना 3-3 विलेजेस सबमिट करना अलाउड था, तो सिर्फ स्पेन इकलौती ऐसी कंट्री है जिसकी तीनों विलेजेस सिलेक्ट हो गई हैं, वो टॉप 54 में है, राइट, बाकी सबकी एक दो आई हैं ऐसी। UNWTO की आप लिख लीजिए एक बार कुछ, UNWTO थोड़ा सा ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1974,
हेडक्वार्टर्स गैस करेगा कोई इसका? अभी मैंने आपको तो एक फैक्ट बताया अभी अभी, स्पेन या तभी कुछ तो इंसेंटिव हो ना होस्ट कंट्री का। हेडक्वार्टर्स मैड्रिड, और इंडिया ज्वाइंड इन 1975, इंडिया इज अ मेंबर। और यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, टूरिज्म सेक्टर में काम करता है, टूरिज्म सेक्टर को सस्टेनेबल बनाने की बात हो रही है, राइट? तो उसको जो ओवरसी कर रहा है दैट इज दिस पर्टिकुलर एजेंसी। एंड एक लास्ट पॉइंट लिख लो, इट एनकरेजेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स फॉर टूरिज्म। ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स फॉर टूरिज्म, जब भी ऐसा कोई टर्म आता है ना बच्चे, जैसे ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स है, तो इसमें ऑटोमेटिकली पहला पहला वर्ड आपका कैपिटल हो जाएगा, ठीक है? ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स, ये कुछ चीज है ये, तो जी कैपिटल और बाकी सब चीजें भी। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट टूरिज्म ना, मतलब एक चीज अपने मन में बहुत क्लियर रखना कि टूरिज्म, एक टूरिस्ट और एक एडवेंचरर में फ़र्क होता है। तो अगर आप ये सोचो ना कि यार गांव है तो हमें गांव की लाइफ दिखानी चाहिए, इनको भी सुबह 4 बजे उठाना चाहिए, है ना, और ये सब करना चाहिए, तो वो आइडिया ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि टूरिस्ट एक बहुत लेजर एक्टिविटी करने जा रहा है, वो करता है हसल अपनी प्रॉपर लाइफ में, राइट? उसको लेनी पड़ती है क्लासें 3-3 घंटे खड़े होके, राइट? सो जब भी हम टूरिज्म की बात करेंगे ना, आपको एमेनिटीज देनी ही पड़ेंगी, राइट? तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हम गांव की बात कर रहे हैं, विलेजेस की बात कर रहे हैं, विलेजेस को टूरिस्ट देने हैं हमने, तो हमें देनी पड़ेंगी फैसिलिटीज, हमें डेवलपमेंट देनी पड़ेगी। नहीं ये किनारा तो ये विलेज देख लो एक बार, सी वंस अगेन पानी, हाँ। सो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं। अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ। लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024। इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली 3 चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू। नंबर 1, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा। क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरैक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी। नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं, दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs, जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट? ताकि आपको कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट, जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट? दिस इज द त्रिशूल मॉडल। अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज द कंप्लीट कोर्स, इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो। अगर आपने सोच लिया है, इफ वी हैव ड्रीम्ड इट वी कैन डू इट। जिद से जीत तक।